हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो आज हम लोग ऑप्टिक्स का लेक्चर 2 देखेंगे। ऑप्टिक्स के लेक्चर 1 में हम लोगों ने सीखा था लाइट के बारे में, लाइट के रिफ्लेक्शन के बारे में, लाइट कुछ लॉज को फॉलो करते हैं उसके बारे में। आज जो है हम लोग थोड़ा और इससे आगे जानेंगे। लाइट में जो है, अब जो है हम लोग मिरर पे इमेज फॉर्मेशन करेंगे, है ना। इमेज फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले हम लोगों को जानना ज़रूरी है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, इमेज क्या होता है, ऑब्जेक्ट कितने तरह के होते हैं, इमेज कितने तरह के होते हैं, वर्चुअल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट, है ना, रियल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ये सारी चीज़ें आज सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट सीखते हैं आज। ऑब्जेक्ट किसको बोलेंगे? ऑब्जेक्ट किसी भी सब्सटेंस को ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, लेकिन ऑप्टिक्स में इसके जो है एक डेफिनेशन होता है इसका, वो देखते हैं। ऑप्टिक्स में ऑब्जेक्ट को हम लोग कुछ इस तरह से बोल सकते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज। ऑप्टिक्स में ऑब्जेक्ट को हम लोग कुछ इस तरह से बोल सकते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज। अब ये क्या बात हुई भाई, इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज। चलिए देखते हैं क्या होता है। ये मान लिया कि ये कोई एक प्लेन मिरर है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा गया है। तो यहाँ से अगर दो लाइट रे भेजें, हम लोग कम से कम दो लाइट रे भेजते हैं इमेज बनाने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट का, है ना। तो दो लाइट रे अगर भेजें तो दोनों लाइट रे मिरर पे पड़ेगी, मिरर पे पड़ेगी कि नहीं? और ये पड़ने से पहले पीछे देखो कहीं मिली है, कहाँ मिली है? जहाँ वहाँ मिली है जहाँ से ऑब्जेक्ट, जहाँ पे ऑब्जेक्ट है, मतलब उस जगह पे इंटरसेक्ट करी है जहाँ पे ऑब्जेक्ट है ना। तो इसीलिए ऑब्जेक्ट के डेफिनेशन को हम लोग क्या क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज। क्योंकि जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रेज, मतलब मिरर की तरफ जाने वाली रेज इंटरसेक्ट करती है, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अगर ऑब्जेक्ट वहाँ रखा है तो वहीं पे लाइट रे इंटरसेक्ट कर रही होगी, या किसी लाइट सोर्स से टकरा के यहाँ से इंटरसेक्ट करके फिर जा रही होगी मिरर की तरफ, है ना। चलो, ऑब्जेक्ट जो है दो तरह के होते हैं। एक होता है रियल ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है। रियल ऑब्जेक्ट उसको बोलते हैं जब लाइट रे एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रही है ना। व्हेन लाइट रे इंटरसेक्ट्स या लाइट रेज इंटरसेक्ट एक्चुअली, जैसे ये लाइन पूरा है, डॉटेड लाइन नहीं है, तो यहाँ पे जो अब इंटरसेक्ट कर रही है तो वो क्या है, एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रही है, तो वो रियल ऑब्जेक्ट होगा। और कोई भी रियल सब्सटेंस जो है उस जो है वो ऑब्जेक्ट रहेगा तो वो रियल ऑब्जेक्ट ही बनेगा, है ना, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। व्हेन लाइट रेज इंटरसेक्ट वर्चुअली, जब वर्चुअली इंटरसेक्ट करती है तो हम लोग उस ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अब देखते हैं कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट कब बनता है, कैसे बनता है। फिर से एक प्लेन मिरर ले रहे हैं, दो लाइट रे को कुछ इस तरह से मिरर की तरफ भेजा है, ठीक है, दो लाइट रे को कुछ इस तरह से। तो क्या ये पीछे कहीं इंटरसेक्ट कर रही होगी? नहीं, दो अलग अलग डायरेक्शन से लाइट आई है तो कहाँ इंटरसेक्ट करेगी, आगे। अब आगे इंटरसेक्ट करने वाली है, उससे पहले ही मिरर है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या एज्यूम करेंगे कि ये पॉइंट लाइट रे आगे की तरफ कहीं इंटरसेक्ट कर रही है, ये लाइन को अगर आगे बढ़ाएं तो ये इंटरसेक्ट जो कर रही है, कौन इंटरसेक्ट कर रही है,
डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज, मतलब इंसिडेंट रे इंटरसेक्ट कर रही है, इंसिडेंट रे इंटरसेक्ट कर रही है तो ये एक ऑब्जेक्ट है, और एक्चुअली इंटरसेक्ट कर रही है नहीं, एक्चुअली तो लाइट रे यहाँ पे आके आ गई है लेकिन इंटरसेक्ट करते हुए हमें पीछे मालूम हो रही है। इट सीम्स टू बी इंटरसेक्ट बिहाइंड द मिरर, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, वर्चुअल ऑब्जेक्ट बोलेंगे। और ये एक्चुअल में इंटरसेक्ट करती है तो इसको क्या बोलेंगे, रियल ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ठीक है, लिख लिया, चलो इसको मिटा देते हैं, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, फिर इमेज पढ़ेंगे। चलो सिर्फ जो लिखा हुआ है उसको मिटा रहे हैं, डायग्राम रहने दे रहे हैं। फैन बंद करके रिकॉर्ड कर रहे हैं, गर्मी बहुत लग रही है, पसीना भी आ रहा है। ठीक है, अगला हेडिंग इमेज। इमेज किसको बोलते हैं, तो फिर से फिजिक्स में डेफिनेशन है इमेज का, इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, जब भी रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इमेज बोलेंगे। तो ये जो देखो यहाँ पे पहला वाला, पहले वाले डायग्राम में लाइट रे परपेंडिकुलरली इंसिडेंट हुई है मिरर पे, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो वापस उसी पाथ पे लौट जाती है। ये देखा था ना हम लोगों ने पहले क्लास में देखे थे, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके पहले वो वीडियो देखिए फिर ये आइएगा। ऐसे इंसिडेंट हुई है परपेंडिकुलरली, ठीक है, परपेंडिकुलरली इंसिडेंट होने वाली लाइट रे मिरर पे वापस उसी पाथ पे लौट जाती है, तो ये भी जो परपेंडिकुलरली इंसिडेंट हुई है वापस उसी पाथ पे लौट जाएगी कहीं इस डायरेक्शन में, है ना। ये लाइट रे किसी एंगल पे पड़ी है तो पहले क्या करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे सरफेस पे, है ना, ये है नॉर्मल एक, और जिस एंगल पे आई थी नॉर्मल से उसी एंगल पे लौट जाती है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। तो ये एक लाइट रे इस तरफ चली गई, एक लाइट रे इस तरफ चली गई, तो पीछे कहीं पे मिलते हुए अपीयर होगी, होगी ना, जिस पॉइंट पे रिफ्लेक्टेड रे मिलती है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग, इमेज बोलते हैं। चलो इमेज दो तरह के होते हैं वो पहले जान लेते हैं तब डायग्राम में आएंगे। इमेज कितने तरह के होते हैं, दो तरह के। पहला जो होता है वो रियल इमेज और दूसरा वर्चुअल इमेज। रियल इमेज का डेफिनेशन क्या होगा कि जहाँ पे रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे एक्चुअल में काटे, है ना, व्हेन रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे रेज इंटरसेक्ट एक्चुअली, जहाँ पे एक्चुअल में काटे उसको बोलेंगे रियल इमेज, और जहाँ पे वर्चुअली काटे उसको बोलेंगे वर्चुअल इमेज। तो व्हेन रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज इंटरसेक्ट वर्चुअली, तो यहाँ पे तो वर्चुअली काटी है, पीछे कहीं मिली है दो रियल रेज इधर चले गए, तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, वर्चुअल इमेज, है ना। रियल ऑब्जेक्ट का प्लेन मिरर में वर्चुअल इमेज बनता है, और यहाँ पे दो रियल लाइट रे इंसिडेंट हुई है और रिफ्लेक्शन के बाद किसी इस पॉइंट पे काटेगी, है ना, यहाँ पे, तो ये जी रिफ्लेक्टेड रे जिस पॉइंट पे काटेगी उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इमेज बोलेंगे, और एक्चुअल में काट रही है तो रियल इमेज, है ना, ठीक है। और रिफ्रैक्शन का कहाँ यूज होगा, रिफ्रैक्टेड रे मतलब जहाँ पे हम लोग लाइट रे का रिफ्रैक्शन कराएंगे और वहाँ पे इमेज बनेगा तो उसको बोलेंगे, वहाँ पे भी इमेज का डेफिनेशन यही होगा, इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टेड रे इन द केस ऑफ रिफ्रैक्शन एंड इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ गए बातों को,
ठीक है, आज के लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं। बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर। कोरोना का टाइम है, सुरक्षित रहो, स्वस्थ रहो। स्वस्थ रहोगे तभी तो पढ़ाई करोगे, है ना? सबसे पहले हेल्थ ज़रूरी है, हेल्थ इज़ वेल्थ। सुरक्षित रहो, स्वस्थ रहो। स्वस्थ रहोगे तभी तो पढ़ाई करोगे, है ना? सबसे पहले हेल्थ ज़रूरी है, हेल्थ इज़ वेल्थ।